सर अभी जब ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा था उस टाइम पे बहुत सारी नेगेटिविटीज ऐसे चल रही थी वायरस और ये कितने केसेस हो रहे हैं हमारा बिल्कुल दिमाग बिल्कुल इसी में था कि कितने केसेस बढ़ रहे हैं रोज़ हम गूगल कर रहे हैं हर पाँच मिनट में दस मिनट में ऐसे करके मैं मैंटेलिटी मेंटली बहुत वीक हो गई थी और मुझे ना ऐसे उस टाइप का फील हो रहा था कि जो चीज़ है नहीं मतलब इमेजिनेशन में मैं उसको फील कर रही थी और वो मुझे पता है कि वो सच में नहीं होने वाली है और उस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और ऐसा होता है ना कि हमें जो चीज़ अच्छी लगती है पर मैं इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी कि मैं इस चीज को बिल्कुल ना सोचूं कुछ ना करूं पर सर मतलब यू डोंट ट्रस्ट ऑन मी मैं मिनट के लिए भी वो भूल नहीं पा रही इसके पीछे रीजन तो, क्या था क्यों हुआ ये सर तो रीजन ये था की मैं अपने आप को लेकर बहुत कॉन्शियस हो रही थी कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए या फिर मुझे उस चीज से बहुत डिस्कास्टिंग टाइप का फील हो रहा था ऐसा क्यों हो रहा था ऐसा क्यों हो रहा था पहले तो ऐसा नहीं होता था

उस तरीके मैं उसके पास जा रही थी एग्जैक्टली exactly. और आप क्यों जा रहे थे उसके पास में जहां भी कोई न्यूज आती थी कोरोना से रिलेटेड बार बार क्यों सर्च कर रहे थे कि अब कितने केसेस हो गए अब कितने हो गए अब यहाँ पे ये यह हो गया अब वहां पे वो हो गया उसके साथ ये हो गया उसके साथ वो हो गया क्यों बार 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 इस तरह की न्यूज में आपका इंटरेस्ट आ रहा था ध्यान से समझोगे ना इस पूरी की पूरी साइकिल को हुआ क्या लॉकडाउन के टाइम पे एकदम से एक तो आपकी लाइफ का ट्रैक पूरी तरह से चेंज हो गया सिर्फ आपका नहीं सबका हमारा सबका ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है तो ये मत समझना कि ये सिर्फ अकेले आपके साथ हुआ है ये सबके साथ हुआ है अलग अलग तरीके से हुआ है इसको एक वर्ड में बोला जाए तो ये एंजाइटी है बेसिकली राइट यस एर है ये, ये सबके साथ हुआ है सबने इसको एक्सपीरियंस किया है और पूरे वर्ल्ड ने एक्सपीरियंस किया है इसको क्योंकि मैं तो अभी इस वक्त बहुत लोगों से बात कर रहा हूँ बहुत लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट डेली मेरे इंट्रेक्शन चल रहे हैं ऑनलाइन ये जो yes, sir. है ना yes, sir, तो सबका यही क्वेश्चन है जो अभी आपका क्वेश्चन है वो क्या कि इस टाइम पे बहुत एंजाइटी हो रही है अजीब अजीब से थॉट्स आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं आए इसीलिए मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे अंदर चली गई जिसने हमारे अंदर जो फियर पड़ा हुआ है फियर सबके अंदर होता है उसको ट्रिगर कर दिया जिस तरह की इंफॉर्मेशन माइंड में जाती है वैसी इंफॉर्मेशन की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं ध्यान yes, से समझ बिल्कुल फूड की तरह है जिस तरह का खाना आप खाते हो उसी तरह के खाने की तरफ आप अट्रैक्ट होते हो यस yes, सर अब जैसे चाइना में लोग कुछ भी खा जाते हैं सांप hmm. हो कीड़े मकोड़े हो ये हो वो हो आप खाओगे क्या नो no. आप नहीं खाओगे क्यों क्यों नहीं खाओगे क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है क्यों अच्छा नहीं लगता है उनको तो अच्छा लगता है आपको क्यों नहीं अच्छा लगता है क्योंकि सर वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया खाकर एक्सैक्टली exactly, कभी आपने खाया ही नहीं तो जैसा आपने बचपन से आज तक खाया उसी तरह के खाने की तरफ आप अट्रैक्ट होते हो कभी भी नोट करना उस तरह के खाने की अगर कहीं से स्मेल भी आती है फॉर एग्जाम्पल आपको चाउमिन बहुत पसंद है या पिज्जा बहुत पसंद है तो पिज्जा की जैसी स्मेल आएगी कहीं से तो आप उसकी तरफ खींचे चले जाओगे चाह करके भी अपने आप को रोक नहीं पाओगे और फिर आप जितना पिज्जा खाते चले जाओगे उतना ही आप पिज्जा की तरफ और अट्रैक्ट होते चले जाओगे तो जिस तरह का फूड हम खाते हैं उसी तरह के फूड की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं जिसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं वही हम खाते हैं exactly एग्जैक्टली ऐसा ही थॉट्स में होता है बस लोगों को पता नहीं है सर लेकिन इसको कंट्रोल कैसे करें हम चाहते हैं वो कंट्रोल अभी उस पे पर आते हैं अभी उस उसपे आते, उस आते हैं देखो खाने के केस में क्या होता है जब भी आप कुछ गड़बड़ खाते हो जो आपकी बॉडी को सूट नहीं करता है तो बॉडी के लेवल पे रिएक्शंस होने लग जाते हैं ऐसा होता है नहीं होता है? एग्जाम्पल कुछ लोग हैं उनको बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना सूट नहीं करता है तो जब भी वो खाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है तो वो मिर्च मसाले को अवॉइड करते हैं राइट उनको ये समझ आ जाता है कि भैया मिर्च मसाले वाला खाना मेरे को अवॉइड करना पड़ेगा अगर मेरे को ठीक रहना है तो ऐसे ही माइंड के लेवल पे कुछ तरह की इंफॉर्मेशन है वो जब हमारे अंदर जाती है तो वो बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स को और इमोशंस को ट्रिगर कर देती है जैसे ही वो फीलिंग्स और इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उसी तरह की फीलिंग्स और इमोशंस की तरफ फिर हम एक पैटर्न में घूमने लग जाते हैं बेसिकली आपकी ब्रेन के अंदर कुछ बनने लग जाते हैं जिस तरह की इंफॉर्मेशन उन पैटर्न्स को रिपीट करेगी जो भी आपके ब्रेन में पैटर्न्स बन रहे हैं उस इंफॉर्मेशन की वजह से उस तरह की इंफॉर्मेशन की तरफ आप और अट्रैक्ट हो जाओगे आप कॉन्शियसली चाह रहे हो कि ये ना हो लेकिन जितना आप कह रहे हो ये ना हो बार बार आपको वही याद दा आ रहा है कि जो हो रहा है एग्जैक्ट exactly. yes, तो exactly. अब जो उन पैटर्न्स को रिपीट करती है जिस तरह की इंफॉर्मेशन बार बार आप उसी तरह की इंफॉर्मेशन की तरफ अट्रैक्ट हुए चले जा रहे हो तो अब ये एक लूप बन गया है इसको बोलते हैं साइकिल बन गई है यानी नेगेटिव थॉट्स जितने आपके अंदर आएंगे आप वैसे ही थॉट्स की तरफ या वैसी ही इंफॉर्मेशन की तरफ और अट्रैक्ट हो जाओगे जितना और अट्रैक्ट होगे वो इन्फॉर्मेशन और अंदर जाएगी जितना और अंदर जाएगी वो और पक्का हो जाएगा But अब क्या how करना to है? Break this exactly, I'm about to come on that. अब क्या है कि जैसे ही आपको बुरा फील होने लग जाए यू कान बी अवेयर ऑफ योर थॉट ऑल द टाइम वो आप तब अवेयर हो सकते हो जब आपने मेडिटेशन को बहुत ही डीपली समझा है देन यू कैन बी इवन अवेयर ऑफ योर थॉट्स कि अभी थॉट्स क्या yes. होते हैं पहले उसको समझ लो थॉट्स मतलब जो भी आप अपने अंदर अपने अंदर अंदर ही आप को बोलते हो दैट इज थॉट्स थॉट्स आप को देख नहीं सकते हो यू कांट सी वॉट इज बींग प्लेड ऑन योर ब्रेन कि आपकी ब्रेन में क्या प्ले हो रहा है उसको आप नहीं देख सकते उन पिक्चर्स को इमेजेस को नहीं देख सकते हो बट आप अपने आप को क्या बोल रहे हो वो तो आप अवेयर हो सकते हो ना जैसे अभी आप अवेयर हो मैं आपको yes. क्या बोल रहा हूं आप अवेयर हो अभी आप मेरे को क्या बोल रहे हो ऐसे ही अवेयर होना है कि हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं इसको बोलते हैं अवेयरनेस ऑफ अवेयर तो आपको क्या करना है जब भी बुरा फील होने लग जाए कुछ अंदर बुरी फीलिंग्स ट्रिगर हो बॉडी में मूड खराब होने लग जाए जब बिना मतलब की एंजाइटी होने लग जाए डर लगने लग जाए तो रुक करके अपने आप से इमीजिएटली पूछो कि मैं अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रही हूं तो आप देखोगे आप बहुत ही उल्टा बोल रहे हो फिर आप कहोगे कि मैं उल्टा क्यों बोल रही हूं तो आपको समझ आएगा अच्छा इस तरह की इंफॉर्मेशन मेरे अंदर जा रही है तो इमीडिएटली वहां पे ब्रेक लगाओ और अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज कर दो टू जैसे आपको समझ आ गया है कि भाई मिर्च मसाले वाला खाना आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप रुक गए ना अब आप नहीं खा रहे नहीं तो प्रॉब्लम yes बढ़ेगी yes. तो आपको समझ आ गया है इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो मुझे सूट नहीं कर रही है अब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन में अपने अंदर प्लांट करूंगी जो कि काम की है जो कि अच्छी फीलिंग्स और अच्छे इमोशंस को ट्रिगर करती है अब ये अच्छा क्या है और बुरा क्या है ध्यान से समझना एक तरह की इंफॉर्मेशन है विच ब्रिंग्स यू एट जो आपको अंदर से हल्का फील करवाती है yes, sir. एक तरह की इंफॉर्मेशन है विच मेक्स यू नॉट एट ईज यानी कि डिस ईज डिजीज जो वर्ड आया है ना वो देखो कहां से आया उसका रूट क्या है नॉट एट ईज तो उस तरह की इंफॉर्मेशन को रोकना है और सही तरह की इंफॉर्मेशन को अंदर प्लांट करना है बस इतना सा काम करना है बाकी सब काम अपने आप होगा जैसे ही सही इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी तो सही थॉट्स ट्रिगर होंगे सही थॉट्स ट्रिगर होंगे तो सही अंदर ब्रेन पैटर्न्स बनेंगे मूड अच्छा हो जाएगा फीलिंग्स अच्छी हो जाएगी इमोशंस अच्छे हो जाएंगे